दोस्तों अपनी मेगापिक्सल के बारे में सुना होगा, आज बात करते हैं कि क्या आपके स्मार्टफोन में ज्यादा मेगापिक्सल है तो क्या वो ज्यादा बेहतर तस्वीर खींचेगा, बाकी ये मेगापिक्सल होते क्या हैं और ये इनका क्या काम है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा रहता है। अगर आप ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा लेते हैं तो क्या वो आपके लिए बेहतर होगा, मगर इसके बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन बड़ा मेगापिक्सल कैमरा है तो कई लोग मानते हैं कि ये ज्यादा बेहतर तस्वीर खींचेगा, मगर मेगापिक्सल का मतलब होता है यानी अगर आपके स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा, यानी कि आपका जो 12 मेगापिक्सल इसका मतलब होता है जो आपका कैमरा है वो 12 मिलियन पिक्सल्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाएगा। तो अगर 24 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसका मतलब 24 मिलियन पिक्सल्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा पिक्सल्स उतनी ज्यादा बेहतर कलर। अगर आपके फोन में ज्यादा पिक्सल, इसका मतलब जो पिक्चर साइज है वो भी बड़ी मिलेगी। अगर पिक्चर साइज बड़ी हुई तो आपके फोन में ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होगी, इसलिए कई काम में जो मेगापिक्सल होते हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं होते, मगर कई तरह की तस्वीर में मेगापिक्सल काम के होते हैं। यानी अगर आपको ज्यादा ब्राइट तस्वीर खींचनी है तो आपको मेगापिक्सल ज्यादा जरूरी मिलेंगे, मगर आपको एक ऐसी तस्वीर खींचनी है जिसमें आप इसमें एक प्रोडक्ट ध्यान है या फिर कोई ऐसी चीज ध्यान है जिसमें आपको ज्यादा ब्राइट कलर नहीं चाहिए, सिर्फ उस प्रोडक्ट को अच्छा रिव्यू चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पर ज्यादा मोर पिक्सल्स की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं पिक्सल्स काम क्या करते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में ज्यादा पिक्सल हैं तो यानी कि वो ज्यादा बेहतर तस्वीर खींचेंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है, मगर जो ISO है उससे आपकी तस्वीर ज्यादा ठीक आती है। यानी कि अगर आपके जो कैमरा है उसमें ISO यानी अपर्चर है वो अगर 2.0 है तो आपको उतनी ज्यादा तस्वीर नहीं मिलेगी जितनी अपर्चर 1.5 या फिर 2.0 से नीचे की में होता है, उतनी ज्यादा तस्वीर नहीं मिलेगी चाहे आपकी स्मार्टफोन मेगापिक्सल कितने ही हो। मगर आपकी स्मार्टफोन मान लो दो स्मार्टफोन है, एक में है 12 मेगापिक्सल का और एक में 24 मेगापिक्सल कैमरा, तो 12 मेगापिक्सल का इसका अपर्चर है 1.5 और जो 24 मेगापिक्सल का इसका अपर्चर है 2.5, दोनों में 1 अपर्चर का अंतर हो गया। अब जो 12 मेगापिक्सल का जिसमें अपर्चर है 1.5 ये आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि इसमें जो अपर्चर है ये इसका कम मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं अपर्चर क्या होता है तो उसके लिए मैं वीडियो पहले बात करूँ, हम वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मेगापिक्सल इतने जरूरी क्यों होते हैं। अगर आपको ज्यादा कलर दिखाने हैं तो मेगापिक्सल काम के होते हैं, मगर आपको कोई अच्छी तस्वीर खींचनी है तो मेगापिक्सल की इतनी जरूरत नहीं होती। आपने कई बार देखा जो बड़े DSLR कैमरे आते हैं उनमें ज्यादा मेगापिक्सल नहीं होते, मगर वे साफ तस्वीर खींचते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है मेगापिक्सल क्या होते हैं और ये कैमरे में कितने जरूरी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।